हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज हम फेब्रुअरी मंथ्स के डेज और थीम्स पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट होगी फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेब्रुअरी मंथ्स के डेज और थीम्स, क्योंकि अभी फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि COVID-19 की वजह से लॉकडाउन चला हुआ है, ठीक है। और तो आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए, स्टडी करते रहो, इस टाइम का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेब्रुअरी को क्या आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये मतलब फर्स्ट फेब को बना था ये, ठीक है। तो इसका जो इस बार 2020 में 44th एडिशन बनाया गया, ठीक है। ऐसा पूछ सकते हैं कि ईयर नहीं पूछेंगे आपसे कि कब बना था, ऐसा पूछ सकते हैं कि एडिशन कौन सा था इसका, ठीक है। तो 44th एडिशन था और फर्स्ट फेब को हमने कौन सा डे बनाया, इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे। नाउ सेकंड फेब को हमारा फ्रेंड्स वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया गया, 2 फरवरी को बनाया गया, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स, इसकी थीम थी हमारी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। और 4 फरवरी को हमारा फ्रेंड्स वर्ल्ड कैंसर डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे बनाया गया। और इस बार की थीम थी आई एम एंड आई विल, ठीक है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल, ओके। 6 फरवरी को फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। तो इसकी थीम रही थी अनलीजिंग यूथ पावर, इसकी थीम रही थी। 6 फरवरी को मनाया जाता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वीमेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। और 10 फरवरी को फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा IBPS क्लेरिकल मेंस में पूछा गया था वर्ल्ड पल्सिस डे का बनाया जाता है, तो ये 10 फरवरी को बनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट 10 फरवरी को एक और दिन हमारा सेलिब्रेट किया जाता है, उसका है कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ठीक है, जिसे हम कृमि युक्ति दिवस भी कहते हैं, ठीक है। तो 10 फरवरी को हमारा एक तो वर्ल्ड पल्सिस डे था और एक नेशनल डिवॉर्मिंग डे। और 10 से 14 फरवरी को फ्रेंड्स फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया। तो आपको आ सकता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेटेड फ्रॉम, आपको ऑप्शन दिए होंगे 10 से 14 या 14 से 18 या 21 से 24, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 10 से 14 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम क्या रही, MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 11 फरवरी को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ व्यूमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ व्यूमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। और 11 फरवरी को हमारा एक और दिन सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड यूनानी डे, जो एनिवर्सरी थी हकीम अजमल खान की, उनके बर्थडे के दिन हम वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं। और 11 फरवरी को फ्रेंड्स एक और डे बनाया जाता है हमारा सेफर इंटरनेट डे। कब बनाया जाता है, 11 फरवरी को। इसकी थीम पूछी जा सकती है कि थीम क्या थी, तो टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट इसकी थीम रही। तो आपसे या तो डे पूछा जाएगा या फिर थीम पूछी जाएगी आपसे, जैसे LIC जो क्लरिकल मेंस हुआ था उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे थे सेकंड शिफ्ट में, तो जैसे कि आपको थीम दे दी गई थी, आपको बताना था कि उस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेज विद थीम्स अच्छे से रिवाइज करना है, ओके। 12 फरवरी को हमारा नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। और इसकी थीम रही रेडियो एंड डाइवर्सिटी इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे। और 13 फरवरी को फ्रेंड्स हमारा नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वीमेंस डे, ये सरोजनी नायडू जी के बर्थडे के दिन हम नेशनल वीमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 19 फरवरी को हमारा सॉयल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है। सॉयल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो 2015 है, ये 2015 में जो एट सूरतगढ़, राजस्थान के सूरतगढ़ से जो नरेंद्र मोदी जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी 19 फरवरी 2015 को, तो उसी दिन को हम सॉयल हेल्थ कार्ड डे के रूप में मनाते हैं। और फ्रेंड्स
20 फरवरी को हमारा अरुणाचल प्रदेश का 34th स्टेटहुड डे मनाया गया। तो आ सकता है कि कौन से राज्य ने अपना 34th स्टेटहुड डे मनाया 20 फरवरी को, तो अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, 28th फरवरी को एक और डे मनाया जाता है फ्रेंड्स हमारा, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को, और इसकी थीम रही क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। ठीक है, 21st फरवरी को हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे मनाया गया। ठीक है, तो इसकी थीम रही थी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो कि हमारा 21 फरवरी को मनाया गया। 22 फरवरी को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड थिंकिंग डे एंड वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया गया, जिसकी थीम रही लिविंग थ्रेड्स, और वर्ल्ड स्काउट डे भी फ्रेंड्स हमारा 22 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को, और 28 फरवरी को फ्रेंड्स हमारा नेशनल साइंस डे मनाया गया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, और इसकी थीम थी वुमेन इन साइंस, वुमेन इन साइंस। और 27 फरवरी को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया, और 27 फरवरी को एक और दिन बनाया गया था फ्रेंड्स इंडियाज़ का फर्स्ट प्रोटीन डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं ये मैंने एडिशनल ऐड किए हैं जो उसके बाद किए हैं 28 फरवरी के बाद। ठीक है, 27 फरवरी को हमारा इंडिया का फर्स्ट प्रोटीन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम रही प्रोटीन में क्या है। और 29 फरवरी को फ्रेंड्स हमारा, जैसे आपको सबको पता है कि इस बार लीप ईयर था, ठीक है, तो 29 फरवरी को कौन सा डे बनाया गया, रेयर डिजीजेज डे, रेयर डिजीजेज डे, जिसकी थीम रही रेयर इज मैनी, रेयर इज स्ट्रॉन्ग, रेयर इज प्राउड। ठीक है, और 15 फरवरी को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया गया। पेंगोलिन क्या होता है, एक मैमल होता है, तो उसकी उसके लिए उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए कि कैसे उस प्रजाति को बचाया जाए, तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे हम 15 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और ये आता है हमारा 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे फरवरी मंथ के डेज विथ थीम्स। ठीक है, अच्छे से आप, मैं आपको इसका PDF लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसे प्लीज़ एक दो रोज़ डेली रिवाइज़ कीजिए डेज, क्योंकि फ्रेंड डेज़ और थीम्स में से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है एक मार्क्स एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक एक पॉइंट पॉइंट से रह जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको हर चीज़ सीरियस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ये टॉपिक हर एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है, चाहे आपका SSC हो या फिर बैंकिंग या फिर रेलवेज़ या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो या फिर सेंटर के जो भी एग्ज़ाम्स हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश यू गुड लक, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और प्लीज़ घर से बाहर ना निकले। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बाय, टेक केयर।